हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पहली बार रात के 12 बजे लाल चौक से आई वीडियो देख पाकिस्तान चीखा। ओहो, वीडियो अभी हमने की है, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में आएगी, देखना भैया क्या फंक्शन किया है, क्या मज़ेदार किया है। और इतनी भीड़ वहाँ पे कलेक्ट हुई है, और ये पहली बार ही किया है यहाँ पे लाल चौक पे, पहली बार ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ है। और बिल्कुल भैया हिट हुआ है, हिट वहाँ पर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं कह रही हूँ, पाकिस्तान के वो जो थे ना, क्या बोलते हैं, गंदे वो प्लान्स जिस जैसे उन्होंने किए थे, यहाँ से इन लोगों को ट्रेन करके भेजना कि भैया जम्मू कश्मीर के अंदर अनरेस्ट करें, और वो सब जो किया हुआ था, लोगों के दिमाग खराब किए हुए थे। अब वो सब खत्म और तरक्की की राह पे चल रहा है जम्मू कश्मीर, और अब ये पाकिस्तानियों की जान निकल रही होगी कि ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। हमें तो बड़ी खुशी है। चलो शुरू करें नई दास्तान, भारत रकम कर रहा है कश्मीर के अंदर। ओ, ये पीछे से दिखा रहे हैं क्या? अरे वाह, डांस भी हुआ है। लाल चौक में पहली बार ऐसा इवेंट देखने को मिल रहा है। भारत जिस तरह से कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद से जिस तरह से सामने आ रहा है, तो कुछ ये है कि भारत को इग्नोर करना दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल है। ना सिर्फ बड़ी इकोनॉमी है, 1 बिलियन का मुल्क है, अब वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बिलियन है बेटे, 1.4 है, तो उसको इग्नोर करना मुश्किल। आपसे 4-5 लोगों को पहले दिखाया, वो कहते हैं कि भाई ये यूरोप लग रहा, कोई दुबई लग रहा, कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में। कानूनी और आईनी तौर पर उनके पास अब जवाब आ चुका है, अब वो पूरी दुनिया में ये एक जवाब बना चुके हैं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है। यानी आपको ये लग रहा है कि अनकरीब गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे हाथ से जाने वाले जाएगा? मेरे ख्याल से जब उन्होंने एक चीज को ठान लिया तो फिर करके दिखाते हैं वो। और नरेंद्र मोदी साहब के साथ तकरीबन हर मुल्क का जो वजीर आजम है वो उनके साथ खड़ा हो जाता है, लिहाजा अब सिर्फ जंगी कार्रवाई की जरूरत है, और उसके लिए उनकी फौजें पहले ही हमारी सरहदों के बिल्कुल साथ आकर खड़ी हो चुकी है। मेरे ख्याल में हमारी खुद एहतसाबी का सवाल ये भी है कि हमें इग्नोर करना बड़ा आसान है। उनकी आर्मी हमसे बड़ी, उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग, उनकी जीडीपी इतनी स्ट्रांग, इतना मालदार मुल्क है, क्या डरेगा हम? अगर ये पाकिस्तान सारी आवाम इकट्ठी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। उनकी आवाम अगर इकट्ठी होगी तो क्या होगा अपना? ये तो नौटंकी करती है, साफ दिखता है जैसे हंसते बात कर रही है। श्रीनगर का लाल चौक जो कभी कश्मीर विरोधी आंदोलनों और पत्थरबाजों की, देखा मैंने ये बोला था ना, अब नए साल का जश्न बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इतिहास में ये पहली बार हुआ जब लाल चौक पर नए साल का जश्न मनाया गया हो। नए साल के इस जश्न के दौरान लाल चौक के ऐतिहासिक क्लॉक टावर यानी घंटाघर पर लोगों सुंदर लग रहा है तिरंगे रंग से लाइट किया हुआ आते और नाचते देखा गया। नए साल के जश्न में हिस्सा लेने के लिए हजारों लोग घंटाघर पर इकट्ठे हुए। स्थानीय लोगों के साथ साथ कश्मीर घाटी में आने वाले पर्यटकों ने भी जश्न में भाग लिया। 8:30 के प्रसिद्ध घंटा 7 बजे से पहले का देखा था, उत्साहित थे। श्रीनगर शहर के विभिन्न हिस्सों से स्थानीय लोग नए साल के जश्न में शामिल हुए और इसका हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्साहित दिखे। नए साल के जश्न की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। तो पाकिस्तान लाल चौक से आई इन तस्वीरों को देख सकते हैं, पाकिस्तान के लिए बनाई है हमने, वीडियो की तरफ चलते हैं। देखो और चलो, तो एक तो ये देखना होगा क्यों कर रही है, और दूसरा ये देखना होगा कि हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में, इसको तब्दील करने के लिए। अगर तब्दील करेंगे अपने देश को, तब्दील करो पहले अपनी सोच को, तब्दील करो। जब इंडिया की इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं थी तब भी ऐसा नहीं था कि दुनिया जो थी वो कश्मीरियों के पीछे आ गई थी, इकॉनमी तो अब बड़ी होनी शुरू हुई। तो कुछ ये है कि भारत को इग्नोर करना दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल है। ना सिर्फ बड़ी इकॉनमी, पाकिस्तान को करना बहुत इजी है, 1 बिलियन का मुल्क है, अब वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हो गया, तो उसको इग्नोर करना मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी खुद एहतसाबी का सवाल ये भी है कि हमें इग्नोर करना बड़ा आसान है, कश्मीर को इग्नोर करना बड़ा आसान। अगर ये मफरूजा मान लें कि सिर्फ इकॉनमी की वजह से उसको नजरअंदाज किया जाता है, तो फिर हमें यह सीखना चाहिए कि यार हम भी अपनी इकॉनमी ठीक कर लें, हम भी अपनी इकॉनमी इस लेवल तक ले आए कि जब हम बात करें तो हंगेरी लाल के हसीन सपने इतना आसान ना हो। अग्रीड।
राइट, मैं चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेटेजिक बात कर रहा हूँ कि इन अ वे हमारे पास अपने पाकिस्तानी चैनलों को तो देखो, वो तो इंडिया से पैसे कमा रहे हैं, या तो हम मातम कर सकते हैं, ठीक तो, या तो हम वो क्रोकोडाइल के आंसू बहा सकते हैं कि वो दुनिया बड़ी इमोरल है, इमोरल तो हम भी, हमारी दुनिया में हमारे अपने मुल्क में जो जो मसाइल हैं वो कम है। और अब यही सारी कार्रवाई वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जे के लिए डाल चुके हैं, कार्रवाई मुकम्मल है, कानूनी और आईनी तौर पर उनके पास अब जवाज आ चुका है, अब वो पूरी दुनिया में ये एक जवाज बना चुके हैं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है, भारत की पार्लियामेंट ने उसको तस्लीम कर लिया है, सीटें मुख्तस कर दी हैं, आईन में तब्दीली हो चुकी है, लिहाजा अब सिर्फ जंगी कार्रवाई की जरूरत है और उसके लिए उनकी फौजें पहले ही हमारी सरहदों के बिल्कुल साथ आकर खड़ी हो चुकी हैं। और जैसे कि कहा तो तुम्हारी टांगे काम रही हैं क्या? अब सूरत हाल यहाँ पहुंच चुकी है कि पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तौर पर इस खतरे से गाफिल है। पाकिस्तान में जब किसी को ये बताओ कि भारत जंगी तैयारियां कर रहा है बस तो ये करो, तंज और मजाक उड़ाया जाता है कि आप बहुत अरसे से सिर्फ ये चूरन बेच रहे हैं। इंडिया का कहना है कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो एक्शन मार ले पहले। खबर सुनी कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल को हटाना जायज करार दे दिया है और भारतीय सरकार को सपोर्ट किया है, तो पाकिस्तान का कहना यह है कि हम इस मुद्दे को दोबारा यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे। उन्हें क्या डर होगा हमारा, उनकी आर्मी हमसे बड़ी, उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग, उनके जीडीपी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना मालदार मुल्क है, क्या डरेगा? अगर ये पाकिस्तान सारी वाम इकट्ठी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। इकट्ठी होगी तो क्या होगा अपना? उनके पास कितना हैवी मिसाइल नहीं, हमारे पास एटम बम है, अगर हम चाहे तो चला सकते हैं। क्या इंडिया के पास एटम बम नहीं है? उनके पास इतना नहीं है। हाँ सर, ये से बड़ा मजे ले रही है। पास क्या बड़ा वाला मापा, छोटा वाला क्या मापा, बड़ा हमारे पास बड़ा है, मापा बड़ा तो देखा है। एटॉमिक बॉम्ब तो एटॉमिक बॉम्ब, मतलब बड़ा छोटा क्या है इसमें? पागल जो है, पढ़ जाओ, समझने वाली बात है। चले ये बताएं जो जजेस का फैसला आया उस पे कितना फोर्स है, कितना एनर्जी, कितने फैसला क्या किया है? उन्होंने कहा है ये कि आर्टिकल 370 का हटना एक जायज ठीक थी और ये एक वैलिड है, ये फैसला वैलिड है जी, नहीं वैलिड, उनको चाहिए कि के हट में फैसला दें और कश्मीर को आजाद करवाएं किसी ना किसी तरह से। करो ना, आओ कश्मीर अपने पाकिस्तान के ऊपर हम इतना फोकस नहीं करते जितना हम इंडिया की कश्मीर को हर टाइम डिस्कस करते हैं। हमारे सियासतदानों की सियासत का आगाज भी उस तरफ से होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ करते दिखाई नहीं दे रहे सिवाय बातों के। ये पहले अगर पाकिस्तान इकट्ठा होगा तो कुछ करेंगे, पहले तो इनकी अपनी लड़ाई नहीं खत्म हो रही सियासत में, अगर ये सारे इकट्ठे होंगे तो वो फिर ही कुछ कर सकेंगे। तो आप तो बाजी इंडिया ले गया ना, आप क्या करेंगे? बाजी इंडिया ले गया, बातें सुनो, सारी इकट्ठी होगी तो ही कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। इकट्ठे हो जा तुम, हमारा तो इन्फ्लुएंस है, इकट्ठे हो जाएंगे तो इंडिया में कौन सा प्रेशर होगा? इसकी बात नहीं, शाबाश। आपसे बात करते हैं, आप सीनियर सिटीजन है, ये कश्मीर 70 सालों से कर रहे हैं, भारत तो सबके सामने कश्मीर ले गया, पागल है क्या? इनके सीनियर सिटीजन किस एज के होते हैं? हुक्मरान है, लीडर है, ये जितने भी हमारे सरकारी मुलाजम हैं, ये आप ये शुरू से ही काफ़ी अरसा हो गया है ये बिक रहे हैं। अच्छा। सिर्फ ये सब इनकी कमजोरियों से गया है, तो हमारी जो पाकिस्तानी वाम है, गवर्नमेंट मुलाजम है, ये सब पैसे के पुजारी हैं, ठीक है, तुम सारी पैसे के पुजारी हो, जजेज हैं, सब इनकी गलतियों से गया है, कताइयों से गया है, ठीक है। अभी उधर फलस्तीन में जंग लगी हुई है, इन्होंने कोई उनका साथ नहीं दिया, लेकिन फलस्तीन है जो वो बड़े अच्छे ख्वाब देख रहा था कि अगर हमारा कोई मुल्क भी, कोई कंट्री भी हमारा साथ ना दे तो पाकिस्तान जरूर देगा। भैया क्या बंदे हैं, क्या बंदे हैं, मैं सोच रही हूँ कि इतना उसको बोलो कि जो तेरे तुम्हारी इंटरव्यू ले रही है ना, वो भी इंडिया की जय जयकार करती है, उसका भी घर इंडिया की जय जयकार से ही चल रहा है, चले इकट्ठे होके भैया, पहले इनको इकट्ठे होना है, फिर इंडिया के साथ जंग करनी है। तुम्हारे तुम पहले सोच तो लो, जितने भी तुम्हारे चैनल चल रहे हैं वो इंडिया की वजह से चल रहे हैं, तुम जंग करोगे, सबसे पीछे तुम्हारे जो इंटरव्यू ले रहे हैं ये पीछे भागेंगे कि भैया हमारा घर बंद हो जाना है। कमाल के लोग, देखिए पाकिस्तान की हालत कभी खराब चल रही है, वी अंडरस्टैंड, अभी तो और गई, अभी और इंडिया कभी, आई डोंट थिंक कभी कोई वॉर करेगा, कुछ नहीं करेगा, खुद ही अपने कुकर में यही करेंगे, हाँ ये खुद ही जा रहे हैं, होगा वहाँ के लोगों को फील होगा जो पीओके के हैं कि देखिए यहाँ पे लाल चौक में इतना चोर है। कश्मीर के लोग जो पाकिस्तान में, उनको ज्यादा दुख होगा, अब वो लोग वहां से जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे उनकी हालत और खराब होगी,
और हमारा कश्मीर ऊपर उठेगा तो उनको इतनी डिस्पैरिटी नज़र आएगी, तो वहाँ से मोस्ट लाइकली लोगों की वहाँ से आंदोलन शुरू होगा कि भैया हमारा इतना बुरा हाल क्यों है और ये देखिए यहाँ पे इतना अच्छा क्यों है। वही एग्जैक्टली मोदी जी कर रहे हैं, इतना प्रॉस्परस करिए अपनी कंट्री को कि वहाँ का हर इंसान कहे कि हमें इलीगली पाकिस्तान ने लिया है, ये ट्रुथ था, हमारे राजा ने कहा था इंडिया के साथ जाएंगे, तुम लोगों ने ये सब किया है, हम जा रहे हैं जहाँ हमारा राजा चाहता था, इवेंचुअली वो होगा, देन ऑल विल बी वेल। हाँ, वो चिंगारी लग चुकी है वहां पर, वो चिंगारी आग बन रही है, इनको पता नहीं है, ये वहां के लोग ही बोलेंगे प्रूफ यही था कि हमारा राजा इंडिया के साथ ही गया था। वो शुरू हो चुका है, अब देखो इनका, इनको अभी रुक जाओ थोड़ा और टाइम, फिर आएगा मजा, इन लोगों के तब रिएक्शन देखने में ज्यादा मजा आएगा। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।